क्या आपको इसके आंखों में कुछ दिख रहा है? आर यू अ घोस्ट? यस यस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से और एक हॉन्टेड वीडियो लेके आ गई हूँ, एंड आपने शायद टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे कि आज मैं फिर से एक टॉकिंग एंजेला जैसा ही एक गेम खेलने वाली हूँ। और आज मेरे साथ राइमा भी है, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा डर लगता है इस तरीके का कोई गेम खेलने में। वो आंसर करती है ना, वो मैं ले ही नहीं पाती, मुझे इतना डर लगता है। तो अभी टॉकिंग एंजेला जैसा ही और एक गेम नया नया मेरे नजर में आया है, जो कि है टॉकिंग बेन द डॉग। बहुत सारे लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर चुके हैं अभी तक। 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस गेम को अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे हैं, मतलब इसको भी हॉन्टेड मान रहे हैं कुछ कुछ लोग। कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हुई थी, जहाँ पे देखा गया था कि एक आदमी टॉकिंग बेन से बात कर रहा है, और वहाँ पे वो जो क्वेश्चन कर रहा है वो टॉकिंग बेन उसका आंसर दे रही है। इसको देख के मुझे लगा कि शायद मुझे भी इसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐप के अंदर कोई भूत हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको ट्राई करने में क्या जाता है ना। पता नहीं क्यों मुझे ना, मतलब अभी से पसीने छूट रहे हैं। मुझे उस दिन की बात जब भी याद आता है ना, वो टॉकिंग एंजेला वाला, मुझे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्रीपी सा एक नॉइस जो आता है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टॉकिंग एंजेला जैसा ही एक गेम फिर से खेलने वाली हूँ, और यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके भी रखा हुआ है। सो गाइस, आप देख ही सकते हो यहाँ पे बैठा है वो डॉग, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिखता है। एंड ये भी, आप जो भी बोलोगे ये वो रिपीट करता है। ऑलरेडी ये सुन रहा है अभी। हाँ, अभी वो सुन रहा है, आप देखो। एंड ये भी, आप जो भी बोलोगे ये वो रिपीट करता है। ऑलरेडी ये सुन रहा है अभी। हाँ, क्रीपी है ना, मतलब इसको देख के ना कोई भी डर सकता है। बच्चा तो, कोई भी बच्चा तो ऑलमोस्ट डर ही जाएगा। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे जितने भी एंजेला के सीरीज थे ना, उतने सारे गेम्स को मैंने डाउनलोड करके रखा है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक एक करके गेम्स डेफिनेटली किसी ना किसी वीडियो पे खेलूंगी। तो फिलहाल आज तो मैं टॉकिंग बेन का ही गेम खेलने वाली हूँ। डाइमा भी आज पहली बार है। मैं पहले कभी भी ये सब ट्राई नहीं किया अभी तक। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एक डॉग अभी एक सोफे पे बैठा है, ये क्या कर रहा है? माय गॉड गाइस, ये ना एक न्यूज़पेपर को उठा के उसको पढ़ रहा है अभी। खुद से पढ़ रहा है? ये कैसा हुआ इसका? खुद से न्यूज़पेपर खोल चुका है, पढ़ रहा है बैठे बैठे। अरे ये तो देखो कैसा कर रहा है। व्हाट इज इट डूइंग? तो अभी न्यूज़पेपर को ना बंद करके रखते हैं। बंद करो इसे। ओके, सो इसको कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। व्हाट इज योर नेम? हेलो, व्हाट इज योर नेम? मुझे ना इसका वॉइस बहुत ज्यादा क्रीपी है गाइस सच्ची में। मतलब हम दोनों का जो साउंड है ना, वो बहुत ही अजीब तरीके से ले रहा है। मतलब समझ में आ रहा है कि दोनों अलग अलग वॉइस है, है ना। तो अभी यहाँ पे उसके पास ना एक टेलीफोन भी रखा हुआ है, जहाँ पे फोन करना पड़ता है, और वो फोन उठा के बात करता है। तो देखो अभी इसको मैं कॉल करने वाली हूँ, इसको दबा के रही हूँ। हेलो, व्हाट इज योर नेम? नो no. मतलब आपका yeah. कोई नाम नहीं है? क्या हो रहा है ये? हेलो, इसका मुंह देखो, ये तो हंस रहा है गाइस, वो भी बहुत ही क्रीपी तरीके से। अरे यार, ये क्या हो रहा है? मतलब ये तो टॉकिंग एंजेला से भी बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। बहुत ज्यादा डरावना है। ऐसा रिप्लाई क्यों कर रहा है? और इसकी आंखें देखो गाइस, क्या आपको इसके आंखों में कुछ दिख रहा है? माइक, वो अकेले अकेले ये सब कर रहा है।
मतलब इसको तो कुछ सिखाना भी नहीं पड़ रहा है। सो गाइस, अभी तक तो हम बहुत ही हंसी मजाक कर रहे थे इसको लेके, लेकिन अभी हम लोग बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस करेंगे, जिसका वो आंसर देगा कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन हम ट्राई करेंगे और बहुत सीरियस क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, जो कि बहुत ही डरावना है। तो पहले राइमा क्वेश्चन करेगी। ओके, तो मैं अभी इससे क्वेश्चन पूछूंगी। क्या आपके अंदर कोई स्पिरिट है? क्या आपके अंदर कोई स्पिरिट है? अगर कोई स्पिरिट है तो प्लीज आप महसूस कराओ। अगर कोई स्पिरिट है तो प्लीज आप महसूस कराओ। बस इनकी आंखें देखो गाइस, इनकी आंखें देखो गाइस, कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। क्या आपको इसकी आंखों में कुछ दिख रहा है? क्या आपके अंदर कोई स्पिरिट है? अगर कोई स्पिरिट है तो प्लीज हमें महसूस कराओ। अगर कोई स्पिरिट है तो प्लीज हमें महसूस कराओ। ये तो हर बात पे पेपर लेके बैठ जाता है। क्या आपको मेरा नाम पता है? डू यू नो एंजेला? एंजेला कौन है? हु इज एंजेला? कुछ नहीं हो रहा है गाइस, बट पता नहीं इसकी आंखों में देखते ही मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, एकदम ऑरेंज टाइप का है कुछ, बहुत क्रीपी है दिखने में ये। इसकी आंखों में देखते ही ना मुझे लग रहा है कि वो हमें देख रहा है। क्या आप मुझे पहचानते हो? आर यू अ घोस्ट? क्या आप कभी जिंदा थे? अगर आपके अंदर कोई स्पिरिट है तो हमको महसूस कराओ। अगर आपके अंदर कोई स्पिरिट है, महसूस कराओ। मेरी लाइट चली गई। ऐसा तो कभी नहीं होता है, रात में तो कभी करंट नहीं जाता है हमारे इधर। क्या हुआ? ऐसा कैसे हो गया? शूट भी तो नहीं कर सकते ऐसे। मैं फ्लैश ऑन करती हूँ फोन की। गाइस, ये गेम बहुत ही ज्यादा डरावना होता जा रहा है, और अभी लाइट भी नहीं है, जबकि यहाँ पे लाइट्स जाती ही नहीं कभी, रात में तो कभी नहीं जाती। हाँ, sure. मैं सच में डर गई थी, और मुझे ना जब लाइट चली जा रही थी तब मुझे एक अजीब सा साउंड भी सुनाई दिया। सो गाइस, ऑलमोस्ट 15 मिनट बाद अभी जाके लाइट आई है। जब भी हमने वो क्वेश्चन किया ना कि क्या आपके अंदर कोई स्पिरिट है तो आप महसूस कराइए, ठीक उसी समय लाइट चली गई। ऐसा कैसा हो सकता है? कभी भी यहाँ पे लाइट जाती नहीं है, ऐसे दिन में कभी कभी जाता है लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, रात में तो कभी नहीं जाता है। सो गाइस, मैं अभी फिर से वो वाला क्वेश्चन करने वाली हूँ इसको। अगर आपके अंदर कोई स्पिरिट है तो प्लीज हमें महसूस कराइए। बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई खिड़की पे आके मारा। ये तो बहुत ही डेंजर होते जा रहा है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भूत वगैरह है, लेकिन ये जो चीजें हमारे साथ हो रही है ना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, कुछ तो जरूर है। हाय बेन, क्या आप मुझे पहचानते हो? आप कहाँ रहते हो? क्या आपको मेरा नाम पता है? राइमा। जब इसको इंस्टॉल की थी ना मैं, तब मैंने कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं डाला था, बट पता नहीं इसको नाम कैसे पता चला कि मेरा नाम राइमा है। क्या आप मुझे पहचानते हो? हु इज राइमा? ये ठीक से आंसर भी नहीं कर रही है। हाँ, रुक रुक के बोल रहा है ना। तो मैं अभी एक क्रीपी सा क्वेश्चन करती हूँ। क्या आप कभी जिंदा थे? क्या आपको मेरी नाम पता है? Oh my God! How is it possible? Too creepy. ये बहुत ही ज्यादा डरावना मुझे लग रहा है गाइस। Oh my God! पहली बात तो ये कि लाइट चली गई और कुछ आवाजें आ रही है,
और ये जब आंसर कर रही है वो, जब मैं उससे पूछ रही हूँ तो वो राइमा का नाम ले रहा है और राइमा पूछने पर मेरा मेरा नाम। पर इसको नाम कैसे पता चला हम लोग? हाँ, क्योंकि हमने कोई सर्वे ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो मैं ना अभी क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो टेलीफोन है ना वहाँ पे मैं कॉल करती हूँ, ठीक है? क्या आप कभी जिंदा थे? सच्ची में मेरा भी, क्या आप कभी जिंदा थे? माय गॉड गाइस, डू यू नो माय नेम? नो। आर यू अ घोस्ट? यस यस। माय गॉड, यस। आर यू अ घोस्ट? नो। What is it? I अभी दो बार yes बोला इसने, दो बार yes कहा, फिर हंसा भी। क्या आप कभी जिंदा थे? No. ये तो बार बार no ही बता रहा है। मुझे तो, मैं एक क्वेश्चन करती हूँ। हाँ करो। क्या आपका मर्डर हुआ था? Yes. Oh my God. ये तो सच्ची में बता रहा है, ये भी बोला है गाइस और वो हंस भी रहा है। क्या आपका मर्डर हुआ था? क्या आप किसी को हार्म पहुंचाना चाहते हो? क्या आप किसी को हार्म पहुंचाना चाहते हो? ओह माय गॉड गाइस, और अभी हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वो जो बताया ना वो सच्ची में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। देखो मेरी भी। लेकिन गेम का जो रिव्यू है ना, रिव्यू वाले पार्ट में से बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है कि ये गेम हॉन्टेड है, पर मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मतलब क्या होता है अगर ये डरने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो जो भी चीजें मेरे साथ हो रही थी ना, वो कोई इंसिडेंट बताओ या फिर कुछ भी बताओ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लगा इसमें। मुझे भी बहुत ज्यादा डर। ये हाँ और ना में ही आंसर करता है, तो ये एक बात है। लेकिन जब हमने क्रीपी सा क्वेश्चंस करा, मेजोरिटी में वो हाँ ही बोल रहा था हमेशा, यस यस कि आपका मर्डर हुआ था, आपको आप हाँ, किसी को हार्म करना चाहते हो कि हाँ, नहीं। तो ये सारी चीजें ना, मतलब बहुत नेगेटिविटी फील होती है इससे। आई थिंक कि मैं तो इस गेम को कभी नहीं खेलने वाली। लेकिन अगर आप लोग कहते हो कि टॉकिंग टॉम या फिर टॉकिंग एंजेला पार्ट 2 जो आया है अभी नए, अगर वो भी आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और राइमा तो शायद टॉकिंग एंजेला वाला गेम खेलने भी वाली है वो अपने चैनल पे, तो उसके चैनल पे भी जाके आप देख सकते हो और सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को 10K तक लाइक्स कर देना। और हाँ, बहुत जल्दी हम दोनों मिलके किसी हॉन्टेड हाउस पे जाके वीजा बोर्ड चैलेंज भी खेलने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।